बाईपास के पास जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। गौरतलब है कि कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू यादव अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वो किसानों के समर्थन में 22 दिसंबर को राजभवन मार्च निकालेंगे, जिसका मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। यह हवन की तस्वीर है। हवन इसलिए किया जा रहा है कि केंद्र सरकार को बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए। दरअसल जाप यानी जनाधिकार पार्टी के जो नेता हैं पप्पू यादव, उन्होंने इस हवन पूजा का आयोजन किया है। और जो कृषि बिल के विरोध में जिस तरीके से किसान आंदोलनों का जो पूरे देश भर में एक कह लीजिए कि आंदोलन चल रहा है, उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि के लिए इस तरह का आयोजन किए हैं। सीधा बात हम करेंगे जो पूर्व सांसद हैं पप्पू यादव, उनसे बात करते हैं। सर, आप हवन पूजा कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या वजह? कभी आप व्यवसायियों को कहते हो चोर नोटबंदी में, कभी दुनिया को कह देते हो चोर, कभी काला धर्म में किसी को कह देते हो चोर, कभी आप मजदूरों को के अधिकार को छीन लेते हो, मार देते हो, उग्रवादी कहते हो बेमूला में, कभी आप माइनोरिटीज को आतंकवादी कह देते हो, कभी आप अब आप माओवादी, चीन, पाकिस्तान, भिंडर वाला, आप किसान